बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे, आमीन। मौसम बहुत ही दिलकश है, बादलों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। गुज़िश्ता 5-6 दिन से यही वेदर है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठंडा, इतना ठंडा है कि पंखे भी बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, दरवाजे भी बंद है और फिर भी ठंड लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी लौट कर आ गई है। तो इसी तरह का मौसम है और अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो इसी तरह का ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाए। जिन इलाकों में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है वहाँ पर भी मौसम इसी तरह का ठंडा ठंडा हो जाए। तो सुबह सुबह का वक्त है और चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं और घर मेरा हॉस्पिटल के पास है इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आती रही हैं, आती रहती हैं। मुझे तो आदत हो गई है, आप सुनकर परेशान हो रहे होंगे कि ये एम्बुलेंसेस की आवाज़ें किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो जी, हॉस्पिटल के पास मेरा घर है तो इस वजह से मुझे जो है ना एम्बुलेंसेस की भी आवाज़ें आती रहती हैं। सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, परिंदे बहुत खुश हैं और यहाँ पर ना बाहर टेरेस में खड़े होकर ना ये नज़ारा लेने का कुछ अपना ही मज़ा है। तो मैंने सोचा कि बच्चे भी सो रहे हैं तो मैं सुबह सुबह नाश्ता जो है वो एंजॉय करती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंडा और स्लाइस लूँ, अदरवाइज़ मैं ना पराठा खाने को, तो कभी मेरा पराठा सेशन चल रहा होता है, कभी मेरा स्लाइस सेशन, कोई भी चीज़ जो है ना वो एक वक्त में मेरी फिक्स नहीं होती। कुछ दिन जो है वो मेरे स्लाइस और अंडा होता है, कुछ दिन जो है वो पराठा वगैरह होता है। तो बस इससे आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना अंडा और स्लाइस खाऊं, तो ये यहाँ पर मैं स्लाइस और अंडा बना रही हूँ अपने लिए और साथ जो है ना वो मैंने चाय भी जो है वो अपने लिए बनाई है। और ये जो आवाज़ है ना, ये जो नेचुरल साउंड्स होते हैं ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं वॉइस ओवर करते हुए ऑफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि आप लोग भी साथ सुने, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये आवाज़ें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए मेरी किचन की खिड़की है और यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, बारिश सब्ज़ा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। और चिड़ियाँ और परिंदों की आवाज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत भरी लगती हैं दिल को, काम करने का मज़ा बहुत आता है किचन में, ख़ासतौर पर सुबह का वक्त जब सब तरफ खामोशी होती है ना, फिर यहाँ पर खड़े होकर काम करने का बड़ा मज़ा आता है। तो लो जी, ये देखें मैंने पूरी परफेक्ट एक कप चाय तैयार की है अपने लिए और बाहर टेरेस में बैठ के ना नाश्ता करते हैं, परिंदों की आवाज़ें और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और साथ एम्बुलेंस की भी आवाज़ें। खैर ये साथ साथ चलता है क्योंकि बिल्कुल रोड के पास है मेरा घर, तो आवाज़ें आती हैं रोड के ऊपर जो है ना वो एम्बुलेंसेस जा रही होती हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दिल परेशान होता है इन आवाज़ों को सुन कर के, यार किस तरह के मरीज़ जा रहे होंगे, इनके ऊपर पेशेंट जा रहे होंगे, सीरियस पेशेंट आ रहे होंगे हॉस्पिटल से, या कोई डेड बॉडीज़ भी जा रही होंगी। बस अल्लाह ताला हर एक की जो वफात पा चुके हैं उनकी मगफ़िरत करे और जो जिंदा सलामत है उनको ज़िंदगी दे। अच्छा, और सफाई फिर नाश्ता करने के बाद मैंने कर ली और यहाँ पर बारी आ गई जी बच्चों की। बच्चे उठ गए थे और बच्चों के लिए मैं अपना यहाँ पर बनाने लगी थी ऑमलेट सैंडविच। तो किस तरह बनाया मैंने कि पहले मैंने अंडे में ना स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे, मिर्च और नमक सिंपल डाली थी क्योंकि बच्चे हैं ना, तो फिर बच्चे ज़्यादा मिर्चे नहीं खाते। तो ऊपर मैंने कोरिएंडर काट कर वो डाल दिया और ऊपर मैंने चारों स्लाइस लगा दिए। ये रैपिंग जो सैंडविच होते हैं ना, अंडा जिसके में स्लाइसिस में रैप होता है, ये वो वाले स्लाइसिस हैं, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस इसी तरह आप बस अंडा उंडेल दें, ऊपर कोरिएंडर वगैरह और चिल्ली वगैरह कुछ भी आप डाल दें जो आप शौक से बच्चे आपके खा लें। तो चाहे तो इसको पलट कर इसके अंदर आप टमाटर, खीरा और कुछ भी कैप्सिकम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, या अदरवाइज़ जिस तरह मैं इस तरह बना रही हूँ, मैंने ये रैपिंग वाला बनाना है तो मैंने ना इसके अंदर इस तरह खीरे वगैरह डाल दिए हैं। तो इस तरह से खीरे वगैरह आप डालकर, टमाटर वगैरह काट कर तो इसके ऊपर डाल दें, और चीज़ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो फिर मैंने ये इसके ऊपर चीज़ भी डालनी है। ये डालकर इसके ऊपर जो बचा कोरिएंडर होगा वो डाल दूँगी, इसके ऊपर जो है वो मैंने चीज़ डाल देनी है, थोड़ी सी पेपर भी डालूँगी और इसके अलावा मैंने इसमें रोज़मेरी भी थोड़ी सी डाली है, बच्चों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो रोज़मेरी, ये जो लाइट कलर नज़र आ रहा है ये रोज़मेरी है, तो ड्राई रोज़मेरी जो होती है वो डाली है। और इसके ऊपर मैंने कद्दूकश कर दी है चीज़, और ये पिज़्ज़ा चीज़ है,
मोज़रेला और चेडर का मिक्सचर होता है, ये तो बड़ी ही मज़ेदार सी ये चीज़ होती है, आप भी ज़रूर रखें घर में। तो ये थोड़ी सी डाली और साथ मैंने ओलिव्स डाल दिए, ओलिव्स भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो बस ये ना बड़े मज़े का जो है ना वो सैंडविच पिज़्ज़ा टाइप बन गया। तो इसको हमने कर देना है जी फोल्ड, और बस इतना सा सेक अब लगाना है क्योंकि अंडा नीचे से पक चुका है, और सेक हम लोगों ने इतना सा लगाना है कि ये जो ऊपर चीज़ है ना ये हमारी मेल्ट हो जाए, बस इतना सा। और दो इस के पीस करके तो पूरे का पूरा जो एक स्लाइस है ना एक दूसरे स्लाइस के ऊपर रख देंगे, तो ये डबल बन जाएगा सैंडविच ना। दूसरा जो स्लाइस है ब्रेड स्लाइस है वो ना रखें, बस इसी को इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना हैवी सा हो गया और बच्चों का अच्छा नाश्ता बन गया, और बच्चे ये जो है ना वो खुश होकर शौक से ये खा लेते हैं। इसको आपने दरमियान से लगा देना है कट, ताकि बच्चे ईजीली खा लें। तो ये कटर की मदद से कट लगा लें, नाइफ़ की मदद से लगा लें, जो भी अवेलेबल आपके पास चीज़ है तो इससे आप कटर लगा लें। मेरे पास ये पिज़्ज़ा व्हील है जिसे कटर जो होता है पिज़्ज़ा कटर होता है, उससे मैंने ये कट लगा लिया है। तो बस आप भी इसी तरीके से कट लगा लें, मैंने इसी तरह ट्रायंगल शेप में ही कट लगा लिया है, और बस काट के ये आप प्लेट में रख दें बच्चों के लिए और सर्व करें, खुद भी खा लें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इसके जो ना वो क्या इसको कहते हैं रेशे से वो भी बन जाते हैं। तो आज ही था जी फादर्स डे, तो बच्चों ने जी कहा कि बाबा को हम क्या सरप्राइज़ दें, बाबा जो आप पे हैं और जब घर आएंगे बाबा तो हम उनको क्या, तो बच्चे कार्ड्स बना रहे थे, और फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपने आप लोगों के बाबा के लिए जो है ना वो मैं बना देती हूँ केक। तो यहाँ पर बन रहा है केक, ये बहुत ही सिंपल केक है, बगैर बटर के ये केक तैयार होता है और बड़ा ही मज़े का केक तैयार होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 4 अदद अंडे ले लेने हैं, और उन अंडों को फ्रेश अंडे लें तो ज़्यादा बेटर है, जर्दी और उनकी सफ़ेदी अलग कर लें। और सफ़ेदी को आपने क्या करना है कि बीटर की मदद से ना अच्छी तरह बीट करके बिल्कुल फोम शेप दे देनी है, जिस तरह मैंने दी है। इसको उठा के देखें गिरेगी नहीं, बस ये इसकी परफेक्शन है। और फिर आपने क्या करना है कि जो 4 जर्दियां हैं अंडे की, चारों जर्दियां उनको बारी बारी डालकर ना थोड़ा थोड़ा आपने बीट करते जाना है। तो मैंने भी इस तरह यहाँ पर जो है ना वो बीट कर लिया है, सारा बीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 कप मैगरिंग कप जो होता है उसमें 1.25 कप जो है ना आपने मैदा ले लेना है, और 1.5 चम्मच जो है ना वो डाल दें, 1.5 से 2 चम्मच आप कोको पाउडर के डाल दें। तो और इसमें डाल दें आप 1 चम्मच जो है ना टेबल स्पून वो बेकिंग पाउडर का आपने डाल लेना है। ये भर कर ना 1 कप बन जाएगा, ये हो जाएगा। और 1/2 कप आपने शुगर जो है ना वो आपने ये देखें साथ ऑरेंज जो मैरिंग कप है ना इसमें मैंने शुगर डाली हुई है, ये भर के 1 कप जो है पिसी हुई शुगर है ये आपने इसमें डाल लेनी है। तो इस तरह आपने छलनी की मदद से ना छान कर, उससे ये होता है कि ये इसके ज़र्रे अलग अलग हो जाते हैं, और ये ना आपने उसके मदद से स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से ना एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स कर लेना, बीटर नहीं चलाना। बेटर चलाएंगे तो आपका केक जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। 2 पोर्शन में मैंने कर लिया था इसको, ये जो मैदा और चीनी वगैरह थी और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, इसको आधा डाल के फिर मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्सअप कर लिया, और जो दूसरा 1/2 पोर्शन रह गया था उसको भी मैंने डाल के इसी तरह मिक्सचर में मिक्स कर लिया। अब क्या कर लेना है, जो सांचा आप लेंगे ना मोल्ड, उसमें आपने 2-3 कतरे ऑयल के डालने हैं, और इसको ब्रश या हाथों की मदद से ना आपने चारों तरफ लगा लेना है। जब इसको आपने चारों तरफ लगा लेना है ना, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा डालना है इसके ऊपर मैदा। देखिए मैं भला मैदा कब डालती हूँ, ये मेरा ब्रश हो रहा है सांचे को ना मैं ब्रश कर रही हूँ, और अब जी ये देखिए मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मैदा डालना है इसके ऊपर, और ये चारों तरफ से खुद नहीं जाएगा, आपने टैप टैप करके ना इसको ये देखें चारों तरफ घुमा के आपने वो जो ऑयल था ना इसके साथ ये मैदा चिपक जाएगा, और जो बाकी है ना वो मैंने झाड़ लेना है। वो मैंने झाड़ लिया, मैंने आपको झाड़ कर दिखाया कि और नहीं नीचे गिर रहा। फिर आपने इसमें उंगली वगैरह नहीं लगानी, और बाकी जो बैटर है ना वो इसमें आपने बिछा देना है, हाथ नहीं लगाना बैटर को भी, और आपने नीचे फ्लोर के ऊपर मार के जो टॉप के ऊपर या जिस तरह शेल्फ के ऊपर है तो इसी पे ही ना आपने ऐसे टैप करना है, ताकि वो अंदर जो बबल्स बने हैं ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो बस ये करने के बाद आपने बेकिंग ओवन में डाल देना है। बेकिंग ओवन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, आपका 170 to 180
80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना आप ओवन इसमें रखें और 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो जब तक हमने बेकिंग ओवन में हमने रखना है अपना बैटर केक रेडी करने के लिए, तैयार होने के लिए, उतनी देर में आपने क्या करना है, क्रीम ले लें 2 चम्मच, ये है वीपी वाइप क्रीम, ये आपको अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी और ये बहुत ही अच्छी है। इसको मैं यूज़ करती आई हूँ, तकरीबन मुझे इस्तेमाल करते इसको 4-5 साल तो हो गए हैं, तो मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ इवन देन कि मैं इसको ना फ्रूट चाट में भी यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि इसमें ना मीठा होता है ऑलरेडी और आपको मिक्स नहीं करना पड़ता, दूसरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से फ्लफ़ होती है ना कि बस क्या ही बात है इसकी। अब ये देखें, ये मैंने फ्लफ़ कर दिया है, इसमें मैंने डाल दिए थे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर उसके सॉरी कोको पाउडर के, और चुटकी भर आपने इसमें कॉफ़ी डाल देनी है। अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें। अब ये देखिए केक बन के तैयार हो गया है। इसको धागे या छुरी की मदद से ना आपने 2 पीस कर देने हैं। देखिए कितने परफेक्ट 2 पीस हुए हैं मेरे केक के। और अब आपने क्या करना है कि एक ग्लास लेना है पानी का, उसको ओवन में गरम कर लें या चूल्हे पे गरम कर लें, नीम गरम करना है, जिसको कोसा कोसा कहते हैं ना, वो वाला गरम आपने करना है। और इसमें ना आपने, मैंने दूसरा गिलास ले लिया है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा और खुला है, इसमें आप डालें पिसी हुई चीनी के 2 चम्मच या जितनी आपको मीठा पसंद है, और बाकी ये जो है ना मैंने 1 चम्मच भर के इसमें कॉफ़ी डाला है और ये डाल दिया ऊपर से पानी, इसको कर लें मिक्स। ये हो गया मिक्स अच्छे तरीके से, और ये जो लिक्विड है ना अब आपने चम्मच की मदद से या बॉटल में डाल लें, ढक्कन में सुराख कर लें, आप केक के ऊपर जो है ना वो इसको लगा दें। उससे ये होगा कि ये जो केक है ना ये मज़ीद फ्लफ़ और सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे आपने मार्केट में देखा कि जिस तरह के नरम केक होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं। ये पानी ही डाला होता है ओवन के में निकलने के बाद, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, आपने केक भी तब भी मोल्ड से निकालना है, वो गर्म गर्म को निकालेंगे एक तो आपका हाथ जलेगा, दूसरा ये होगा कि केक जो है ना वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं आएगा, टूट जाएगा। तो ठंडा होने देना है, सब्र करना है, सब्र करने के बाद आपने जो है ना वो केक को बाहर निकालना है। अब मैंने वो जो क्रीम तैयार की थी ना वो मैंने एक साइड पे लगा दिया और जो दूसरा पीस है ना वो उसके ऊपर रख दिया। पानी आपने ना अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना, एक मुनासिब मकदार में पानी डाले, ये ना हो कि वो नीचे से निकल निकल कर बह रहा हो। बस ऊपर से क्या करना है कि आपने ये जो चॉकलेट, मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, आपके पास डेरी मिल्क चॉकलेट मंगवा लें, या अगर आपके पास यही चॉकलेट अवेलेबल है ना तो आप इसने क्या करना है कि ये पीलर है मेरे पास, इसकी मदद से, या कद्दूकश है तो उसकी मदद से आप कद्दूकश कर लें। ये मेरी ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी, अदरवाइज़ ना ये उसके क्रैंक से बनकर तो उतरते तो बहुत प्यारे लगने थे, लेकिन ये बिल्कुल कद्दूकश की तरह बारीक पीसी है क्योंकि ये बहुत ठंडी थी और जमी हुई थी। उसके बाद आप इसने पे के ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर लें, फ्रूट्स हैं आपके घर तो वो डाल लें, सीजनल फ्रूट है मैंगो काट के डाल दें ऊपर, या कोई भी ग्रेप्स डाल दें, या फ्रूट कॉकटेल का टिन ले लें तो वो डाल दें, मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो है ना वो नहीं डाला। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर अगर आपने कोई राइटिंग वगैरह करनी है या आपने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच क्रीम का ले लें, वही जो वीपी वाइप क्रीम है, और उसमें ना 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल लें, तो इसके साथ जो है ना वो आप राइटिंग कर लें। देखें मैंने बच्चे किस तरह खुश किए हैं, और ये बच्चे बहुत खुश थे कि जी आज हमने अपने बाबा को सरप्राइज़ देना है घर में बना कर केक, जी मामा के हाथ का केक है तो हमने मार्केट से नहीं ख़रीदा, हमने खुद घर में तैयार किया है। तो ये देखें हैप्पी फादर डे ऊपर लिख दिया और बस जी बच्चे राज़ी हो गए। अब उसके बाद ये भी मामा का ही करने वाला काम था, आगे अगला काम भी मामा का ही करने वाला था। ये देखें जी बर्तन, पहले भी बर्तन धोए थे और वो ख़त्म हो गए, और अब जो बेकिंग की थी वो भी बर्तन, तो चलो मैंने कहा कि चलें जी ये भी धो लेते हैं और साथ साथ आपके साथ बातें भी करते हैं। जब तक बर्तन धुल जाते हैं, चाय शाय पी थी जनाब जी, केक भी खाया था, और ये जो बाकी बर्तन हैं वो ये हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो आपने ना लाइक भी करना है इसको और शेयर भी करना है, और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको इसमें मुझे कौन सी जो है वो चीज़ अच्छी लगी, जो सैंडविच बनाए वो अच्छे लगे हैं, केक अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा है।
तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और बस यही मेरी रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और प्लीज़ जो है ना वो आप कॉपरेट करें मेरे साथ, मेरे चैनल को देखा करें, विज़िट करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर लाजमी करें। बस इधर तक ही ये मेरी वीडियो थी, और अब आप मुझे इजाज़त दें, मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया, अब मैं रेस्ट करूँगी और आप भी रेस्ट करें, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। एवर ग्रीन बाई IS भुट्टो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।